जय हिंद जी, अपने व्यूज़ बताइए आप। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे बैलेंस डाइट के लिए? मैडम, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल के इस दौर में हम सबको जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात है, उन्हें बैलेंस डाइट की एक चीज़ है जो कि किसी की भी नहीं है शायद, है ना। मैं जी पहले कह चुका हूँ कि पहले जहाँ हमारे घरों में ही एक तरह से डॉक्टर होती थी, हमारी माताएं बहनें हमारी दादी माँ, जो खाना ही इस तरह से बनाती थी कि वो एक तरह से बैलेंस होता था पूरे परिवार के लिए, सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा खाना बनता था, पौष्टिक होता था, हर तरह से विटामिन मिनरल्स सबसे भरपूर होता था। लेकिन आजकल का देखिए आप, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इन सब ने सभी कुछ बिगाड़ के रख दिया है। विक्रम भाई ने बताई दिया आपको, हर जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से घर में ऐसा खाना बनता था। अब आजकल ऐसा कुछ रह ही नहीं गया है, हर कोई भाग दौड़ में है, होटल रेस्टोरेंट्स में खाने की होड़ लगी है, ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जो है मजबूरी भी है, शेड्यूल के हिसाब से, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है ना। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो खाने पर ध्यान देने के लिए महिलाएं और महिलाओं का एक पूरा ग्रुप होता था घर में, अब वो चीज़ भी नहीं है। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें तो डिपेंड करती हैं हाउस वाइफ्स के ऊपर। अब जरूरी ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर घर में हाउस वाइफ्स हों, क्योंकि आजकल वर्किंग लेडीज बहुत हैं, है ना। तो हर किसी को पर्सनली अपनी डाइट पर ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है मैडम, यही मैं कहूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल जय सही कह हिंद रहे जी। हैं, और हम अपना टॉपिक यहीं और पर हम ही अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। अब मिलते खत्म हैं नए करते हैं, टॉपिक अब के मिलते साथ हैं नए नेक्स्ट टॉपिक डे। के साथ।